खबर दक्षिण भारत से जुड़ी हुई, क्योंकि दक्षिण भारत को फेंगल तूफान डरा रहा है। समंदर में लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, तेज बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी से उठा फेंगल तूफान आज शाम तक पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच समुद्री तट से टकराएगा। इस दौरान तूफान की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तूफान का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु पर पड़ रहा है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं बता दें आपको, नागापट्टिनम जिले में करीब 800 एकड़ से ज्यादा की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा कामेश्वरम, विरुंध, मावड़ी, पुडुपल्ली, वेद्रपू, वनमा देवी, वल्लपल्लम, कलीमेढ़ु, इरायवाल और चेम्बोड़ी जिले भी तूफान की चपेट में है। चेन्नई और उसके आसपास के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। राज्य के भीतरी इलाकों में 3 दिसंबर तक भारी से भारी, बहुत भारी बारिश की आशंका है। उधर पूर्वी नौसेना कमान ने अपना डिजास्टर रिस्पांस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। तमिलनाडु ने इमरजेंसी से निपटने के लिए 2 टोल फ्री नंबर्स 112 और 1077 जारी किए हैं। राज्य ने करीब 2000 राहत शिविर तैयार किए हैं। समुद्री तट के नजदीक सड़कों पर आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। समंदर में जाने पर मनाही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। और इस बीच चेन्नई कंट्रोल रूम से प्रमोद माधवन हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये जो हम खबर बता रहे हैं, इस वक्त क्या हालात हैं दक्षिण भारत में, किस तरह की तैयारी है राज्य सरकारों की तरफ से, क्या इंतजाम है और इसका फिलहाल असर आपको किस तरह से दिख रहा है, ये सब कुछ बताएं आप अपडेट। प्रमोद जी हाँ, अभी लाइक 5 मिनट के पहले चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन यहाँ पे थे और ये जो पीछे देख रहे हैं ये है कंट्रोल रूम। और आज के दिन के लिए यहाँ पे पूरा रेड अलर्ट दिया हुआ है नॉर्दर्न कोस्टल जोन को, जो इस मॉनिटर देख सकते हैं चेन्नई, पुदुचेरी और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे रेड अलर्ट है। कल रात से यहाँ पे बारिश शुरू हुआ है और यहाँ साइक्लोन का फॉर्मेशन और साइक्लोन का पैटर्न अभी तक ऐसा है यहाँ पे। और इस साइक्लोन का आई ऑफ द स्टॉर्म ऐसा यहाँ पे होगा लगभग 180 किलोमीटर अभी चेन्नई से है। और जिस इस तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पे वो शुरू हुआ था लाइक ऑलमोस्ट अ वीक अगो, ऐसा उस डिप्रेशन यहाँ आने के वक्त डीप डिप्रेशन हुआ कर श्रीलंका को बारिश हुआ कर यहाँ से एक बाउंस होकर अभी यहाँ पे है। और यहाँ से इनका पैटर्न भी ऐसा दिख रहे हैं, चेन्नई महाबलीपुरम और पुदुचेरी के बीच में लगभग 100 किलोमीटर के अंदर कहाँ भी वो लैंडफॉल कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर विजुअल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी बारिश का लाइक प्रेजेंट सिनेरियो भी यहाँ पे देखेंगे तो ये है वो आई ऑफ द स्टॉर्म। और इसी के दौरान पूरा तमिलनाडु और चेन्नई पर्टिकुलरली पूरा रात को यहाँ पे बारिश हुआ है, अभी भी बारिश हुआ है। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन यहाँ पे हुए थे, उन्होंने यहाँ से पूरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से उन्होंने बात किया है और बोल रहा है कि पूरा सिचुएशन अभी तक अंडर कंट्रोल है फॉर नाउ। यहाँ चेन्नई या कुछ लोकेशन पे लाइक टेम्पररी वाटर स्टैग्नेशन है, उसके हालांकि पिछले साल जैसा फ्लडिंग अभी तक नहीं है। सो वो चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अभी तक सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और पूरा सिचुएशन अभी कंट्रोल पे है। प्रमोद, सबसे ज्यादा असर कहां बताया जा रहा है कि कहां हो रहा है और कहां हो सकता है और इसके लिए क्या तैयारी की गई है, वहां पर लोगों में क्या दहशत भी है? समुद्री तट से तो ये हम जानते हैं कि रोका गया है कि आप नजदीक ना जाएं, कोस्ट पर, आप बीच पर ना जाएं, लेकिन और क्या हालात हैं इस वक्त? सबसे ज्यादा लाइक बारिश अभी हो रहा है लाइक नॉर्दर्न कोस्टल पार्ट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ इस तस्वीर पे देखेंगे तो इस पर्टिकुलर एरिया है ना, ये जो पिंक और रेडिश वाला एरिया, यहाँ पे लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, चेन्नई, चेंगलपट, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा बारिश अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और आज के लिए इस लोकेशन को रेड अलर्ट भी दिए हुए हैं, पर्टिकुलरली चेन्नई पे आज का स्कूल्स का और कॉलेजेस का हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया। इन आईटी फर्म के लिए आज को उन्होंने लाइक वर्क फ्रॉम होम ने प्रेडिक्ट किया और लोगों को लाइक बिना कोई बाहर आने के लिए भी गवर्नमेंट ने लाइक दे हैव सेड नॉट टू डू सो। सो यहाँ पे लाइक बहुत ज्यादा बारिश अभी हो रहा है, ये है पुदुचेरी और यहाँ पे चेन्नई। सो ये बैंड देखेंगे तो यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है लाइक लगभग 12 आवर्स के लिए ये बारिश कंटिन्यू होने का भी पॉसिबिलिटीज है। सो इसीलिए ऐसा लाइक प्रिकॉशनरी मेथड्स अभी मेजर्स अभी टेकन है। ठीक है प्रमोद, आप नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे और अपडेट आपसे जानने के लिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।